नमस्कार। आज इस लेक्चर में हम इंग्लिश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल जिसको हम प्रोनंसिएशन कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर आप प्रोनंसिएशन के बारे में इतना खास नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, प्रोनंसिएशन का मतलब होता है हिंदी में उच्चारण, और इसके अगर सिनोनिम की मैं बात करूं मतलब और क्लैरिटी से समझने के लिए, तो साउंड ऑफ वर्ड, उसको आप क्या कहेंगे, उसको प्रोनंसिएशन कहते हैं। जिस तरह से आप किसी पर्सन को पहचानने के लिए, कोई पर्सन कनाडा से है, कोई पर्सन अमेरिका से है, कोई पर्सन चाइनीज है, जापानीज है या इंडियन है, तो आप उसकी आइडेंटिटी को चेक करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि पर्सन बिलोंग कहां से करता है। उसी तरह से अगर आप किसी वर्ड को जानना चाहते हैं तो आप उस वर्ड की प्रोनंसिएशन को देखेंगे ताकि आप समझ पाए कि इस वर्ड को उच्चारित कैसे करेंगे या इस वर्ड को साउंड कैसे करने वाले हैं। उसको समझने के लिए मैं आपके लिए थोड़े से वर्ड्स यहां पे लेके आया हूं जो हमें हमेशा कंफ्यूज करते आए हैं, और शायद 50% लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि वो इन वर्ड्स को गलत तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं। सो वर्ड नंबर वन, अगर मैं बात करूं इस वर्ड की, SCIENCE, अगर आप इसको इस तरह से ही उच्चारित कर रहे हैं जैसे आपके मन में आया, तो मैं एक सेकेंड वर्ड आपको देता हूं, ये लिख देखिए, SIGNS। अब देखिएगा, मन बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं आप, और आप सोच रहे हैं कि अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आई एम गिविंग अ गूगल वॉइस हियर फॉर द वर्ड्स, आप देखिए ध्यान से, साइंस साइंस। सो ये डिफरेंस इन दोनों वर्ड्स में है। हम कब से इस वर्ड को, जो फर्स्ट वर्ड है, जो एक किसी क्लास का सब्जेक्ट होता है, उसको कितनी बार हम सेकेंड वर्ड के साथ रिप्लेस करते आए हैं। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। फर्स्ट वर्ड इज SINE जैसे आपने देखा, और सेकेंड वर्ड इज SHINE। सो दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे मैं दोनों वर्ड्स को डिफरेंटली प्रोनाउंस करूं ताकि मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। एक गूगल की आप क्लिप देखिए, साइन शाइन। सो यहां पे आपको समझ में आएगा कि दैट्स द स एंड श साउंड, दोनों में बड़ा डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट दो वर्ड्स देखिए जिनको आप शायद अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं, वर्ड नंबर वन, वर्ड नंबर टू, आप इनको प्रोनाउंस कीजिए, और मैं आपको एक गूगल की ट्रांसलेट यहां पर देता हूं। क्वेश्चन आंसर, आप देख पा रहे हैं व्हाट्स द डिफरेंस। अब मैं आपको क्विज देता हूं, आप इन दो वर्ड्स के साथ जाइए और बिना गूगल कीजिए आप इन दोनों वर्ड्स को प्रोनाउंस कीजिए, वर्ड नंबर वन एंड वर्ड नंबर टू। 90% स्टूडेंट्स इन वर्ड्स पे गलत होंगे। अब इनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं देने वाला, गो टू द गूगल एंड चेक आउट। आप चेक करें और आप कमेंट में डालिए कि आप इन वर्ड्स को क्या बोल रहे थे और इन वर्ड्स को किस तरह से बोला जाता है। सो द बेसिक थिंग इज दैट, जब हम इन छोटे छोटे वर्ड्स के ऊपर इतने गलत हैं और इतना अहमियत रखती है इस लैंग्वेज के अंदर प्रोनंसिएशन, जिसको हम उच्चारण कहते हैं या साउंड कहते हैं, कोई भी इंग्लिश स्पीकर आपको इतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा। एस्पेशली अगर आप कोई इंग्लिश अनेबलिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और आप बार बार स्पीकिंग में अच्छे मार्क्स नहीं ले पा रहे हैं, तो माइट बी उसका रीजन आपका प्रोनंसिएशन हो सकता है। तो अब जैसे कहा जाता है, एक कोट है इंग्लिश का, इफ यू जस्ट वर्किंग स्ट्रॉन्गली ऑन द रॉन्ग फाउंडेशन कंटिन्यूसली, सो यू आर मेकिंग डिजास्ट्रस थिंग इन योर फ्यूचर। अगर आप एक ही चीज को, गलत चीज को बार बार दोहरा रहे हैं, तो आप उसको बहुत पक्का कर रहे हैं और वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा डिजास्टर लेकर आ सकता है। इस वीडियो के साथ मैं आपको छोड़ता हूं, और एट द एंड मैं आपको एक और वर्ड यहां पर देता हूं, जस्ट सी इट एंड ट्राई टू स्पीक इट। थैंक यू।